नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम जानेंगे इस अद्वितीय ग्रह के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो अपने छल्लों के लिए जाना जाता है, शनि। शनि के छल्ले इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाते हैं और इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यह हमारे सौर मंडल का छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का व्यास लगभग 120,536 किलोमीटर है, जो इसे एक विशाल ग्रह बनाता है। क्या आप जानते हैं शनि को दूरबीन के बिना भी देखा जा सकता है? यह ग्रह इतना चमकीला है कि इसे रात के साफ आसमान में आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, यह बिल्कुल सच है। शनि की चमक और उसकी स्थिति इसे बिना किसी उपकरण के भी देखने योग्य बनाती है। रात के समय आसमान में चमकता हुआ यह ग्रह आपको आसानी से दिखाई दे सकता है। इसके छल्ले और चमक इसे एक अद्वितीय दृश्य बनाते हैं। शनि एक गैस दानव है, मतलब यह ज्यादातर गैसों से बना है। इसका मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम है, जो इसे एक विशाल गैस का गोला बनाते हैं। इस ग्रह का कोई ठोस जमीन नहीं है। अगर आप शनि पर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो आप इसके गैसीय वातावरण में डूब जाएंगे। अगर आप कभी शनि के पास जाने का मौका पाएं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इसके चारों ओर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। शनि पर हवाओं की गति 1,800 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो इसे एक बहुत ही तूफानी ग्रह बनाती है। शनि का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत शक्तिशाली है। ये चुंबकीय क्षेत्र शनि के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और इसे सौर हवाओं से बचाता है। शनि के कई चंद्रमा भी हैं, जिनमें से टाइटन और एनसेलाडस सबसे प्रमुख हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह पृथ्वी के बाद एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सतह पर तरल पदार्थ पाया गया है। शनि की खोज के लिए कई मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से कैसिनी मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। इस मिशन ने शनि और उसके चंद्रमाओं के बारे में हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। शनि की सुंदरता और रहस्यमयता इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान में देखें तो शनि को जरूर देखें और उसकी अद्भुतता का आनंद लें। शनि के छल्ले, अनोखा श्रृंगार। शनि ग्रह के छल्ले ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और रहस्यमय संरचनाओं में से एक है। शनि ग्रह की सबसे खास बात उसके छल्ले हैं। ये छल्ले ग्रह के चारों ओर एक अद्वितीय और आकर्षक आभा बनाते हैं। ये छल्ले बर्फ और पत्थरों के टुकड़ों से बने हैं। इन टुकड़ों का आकार छोटे धूल के कणों से लेकर बड़े चट्टानों तक हो सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शनि के साथ मुख्य छल्ले हैं। ये छल्ले ग्रह के चारों ओर एक विस्तृत और जटिल संरचना बनाते हैं। हर छल्ले का अपना आकार और चमक है। कुछ छल्ले बहुत चमकीले हैं, जबकि कुछ धुंधले और कम चमकदार हैं। ये छल्ले कैसे बने, ये अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये छल्ले शनि के किसी चांद के टूटने से बने होंगे। यह चांद शायद किसी विशाल उल्कापिंड से टकराया होगा। कुछ भी हो, शनि के छल्ले इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर और आकर्षक ग्रह बनाते हैं। इन छल्लों की सुंदरता और रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। शनि के चांद टाइटन और उसके भाई बहन। शनि ग्रह के चारों ओर घूमते हुए ये चांद एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। शनि के पास बहुत सारे चांद हैं, लेकिन सबसे खास है टाइटन। टाइटन का आकार और उसकी विशेषताएं इसे अन्य चांदों से अलग बनाती हैं। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और यह एकमात्र ऐसा चांद है जिसके पास अपना घना वातावरण है। इस वातावरण में नाइट्रोजन और मीथेन की अधिकता है, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। टाइटन पर नदियां, झीलें और समुद्र भी हैं, लेकिन ये पानी से नहीं बल्कि मीथेन और ईथेन से भरे हुए हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग है और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। शनि के कुछ अन्य प्रमुख चांद हैं, रिया, जो आकार में टाइटन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चांद है। रिया की सतह पर बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है। इपेटस, जो अपनी विशिष्ट रेखा के लिए जाना जाता है। डायोन, जिसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है। और टेथिस, जिस पर बड़े बड़े प्रभाव क्रेटर हैं। हर चांद की अपनी कहानी है और वैज्ञानिक इनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। शनि के इन चांदों का अध्ययन हमें सौर मंडल और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इन चांदों की विविधता और उनकी अनूठी विशेषताएं हमें ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती हैं। सेक्शन 4, गैसों का गोला, शनि का वातावरण। शनि का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके वातावरण में तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शनि पर एक बहुत बड़ा तूफान भी आता है, जिसे हेक्सागोन कहा जाता है।
यह तूफान शनि के उत्तरी ध्रुव पर है और इसका आकार एक षटभुज जैसा है। शनि का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से बहुत अलग है और यहाँ जीवन संभव नहीं है। सेक्शन 5, भविष्य में क्या शनि के छल्ले रहेंगे? वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के छल्ले हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। धीरे धीरे ये छल्ले शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह पर गिर रहे हैं। अनुमान है कि अगले 10 करोड़ वर्षों में शनि के छल्ले पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो देर किस बात की? अगर आपने अभी तक शनि और उसके अद्भुत छल्लों को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए।